हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारी वोकैब की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें आज है हमारा सेशन 9। सो चलिए शुरू करते हैं। हम ए लेटर पढ़ रहे थे, उसमें सारे पॉसिबल वर्ड्स जो होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे वो हम कवर कर रहे थे। पहला वर्ड पढ़ते हैं आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनेक्डोट। एनेक्डोट होता है हमारा शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी, यानी कि कोई भी कहानी या किस्सा जो हम अपने दोस्तों को बताते हैं, जैसे कि आज मेरे साथ ये हुआ। सो छोटा सा कोई भी किस्सा, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये कुछ बता रही है, व्हेन आई वाज यू, मतलब ये कोई भी किस्सा बता रही है अपने दोस्तों को। हमारा एनेक्डोट होता है कोई भी किस्सा। सो ऑप्शंस देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा SI9। SI9 होता है हमारा एक्सट्रीमली स्टूपिड और फुलिश, यानी कि मूर्ख। सेकंड वर्ड है हमारा टेल। टेल होता है हमारा कहानी। आपने जब छोटे होंगे तो अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनी होंगी, फेरी टेल्स सुनी होंगी। सो वही चीज़ है ये, कहानी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैप्रिशियस। कैप्रिशियस होता है सनकी, जिसको जो चीज़ बोल दो उसका उल्टा ही करना होता है उसको। सनकी टाइप जो होता है ना, उसके लिए यूज़ किया गया वर्ड कैप्रिशियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हिलेरियस। हिलेरियस होता है वेरी फनी, वेरी फनी। सो इस वर्ड का परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा टेल, यानी कहानी। सो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंग्विश। एंग्विश का मीनिंग बताना है हमको। फिजिकल और मेंटल पेन, यानी कि पीड़ा, मानसिक और शारीरिक पीड़ा होना। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एर्बोरियल। एर्बोरियल होता है हमारा लिविंग ऑन ट्रीज, लिविंग ऑन ट्रीज, यानी पेड़ों पर रहने वाला, जैसे मंकी होता है पेड़ पर रहता है। सो वो हो गया हमारा एर्बोरियल। नेक्स्ट है हमारा एगोनी। एगोनी होता है हमारा दर्द, पेन, कोई भी पेन या दर्द हो गया उसको एगोनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनार्की। मोनार्की होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद मोनार्क एट द हेड। मोनार्की आपने पढ़ी होगी कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, यानी कि मोनार्क होता है एक हमारा जो राजा होता है और उसका बेटा ही राजा बनता है। सो वो मोनार्की होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलॉग। प्रोलॉग होता है हमारा कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग स्पीच एट द स्टार्टिंग ऑफ अ प्ले, यानी कि कॉन्क्लूडिंग स्पीच जो देते हैं ना, किसी को वेलकम करते हैं जब बुला रखा होता है, तो जो कॉन्क्लूडिंग स्पीच होती है, वेलकम करते हैं, एड्रेस करते हैं सबको, तो वो होती है हमारी प्रोलॉग। और एक होता है एपीलॉग। एपीलॉग होता है हमारा जो एंड की कॉन्क्लूडिंग स्पीच देते हैं, लास्ट में जो बोलते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, तो वो होता है हमारा एपीलॉग। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा एंग्विश का, एगोनी। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का हमें सिनोनिम बताना है। एनिमोसिटी होता है हमारा अ स्ट्रॉन्ग एनिमोसिटी होता है हमारा स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक। ये वर्ड पहले भी आ चुका है हमारी वो कैब में।
सो अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यानी कि एक पॉजिटिव फीलिंग होनी, किसी की तरफ नफरत की भावना होना. सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है डेस्पोटिज्म. डेस्पोटिज्म होता है तानाशाही. तानाशाही. नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपरबोल. हाइपरबोल होता है हमारा एग्जाग्रेटेड, एग्जाग्रेटेड फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी कि कोई भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर बार बार रिपीट कर कर बोलना, तो होता है हमारा हाइपरबोल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनमिटी. एनमिटी होता है शत्रुता. लास्ट वर्ड है हमारा वर्बोज. वर्बोज होता है हमारा बातूनी, फुल ऑफ वर्ड्स, यानी कि जिसके पास बहुत सारे वर्ड्स हों बोलने के लिए, बहुत बातें करते हों, फुल ऑफ वर्ड्स. तो हमारा एनिमोसिटी का परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा एनमिटी. नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट का सिनोनिम बताना है हमको. सो हमारा एंटीसीडेंट होता है हमारा पहले का, यानी कि आई थिंक दैट एग्जिस्ट एग्जिस्टेड, यानी कि जो पहले की कोई भी चीज़ हो जो पहले एग्जिस्ट करती हो. तो जैसे आप इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि द ब्राइड एंड द ग्रूम टुक देयर वोज. सो जो ये पहले पहले का बता रखा है ये एंटीसीडेंट है हमारा, यानी कि द ब्राइड. होमिसाइड होता है हमारा किलिंग ऑफ वन पर्सन. नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल होता है हमारा रिलेटेड टू लैंड, यानी जमीन से संबंधित, जो जानवर जमीन पर रहते हों, जैसे कि शेर हो गया, रिलेटेड टू लैंड. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीआरकी. डीआरकी होता है हमारा गवर्नमेंट बाय टू इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज. तो जो गवर्नमेंट दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज के थ्रू चलती है वो होता है हमारा डीआरकी. लास्ट है हमारा फॉरेनर. फॉरेनर का हिंदी मीनिंग हमारा पूर्वज है, यानी कि जो पहले थे. सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा एंटीसीडेंट का, अ थिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर. फॉरेनर लग जाएगा इसका परफेक्ट मीनिंग. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एंटीथीसिस. एंटीथीसिस का मीनिंग बताना है. एंटीथीसिस होता है हमारा एग्जैक्ट ऑपोजिट. अ पर्सन और थिंक दैट इज डायरेक्ट अपोजिट, यानी कि कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंक भी हो सकती है, जो एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट हो किसी चीज के. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिवर्सल. रिवर्सल क्या होता है हमारा उलट, यानी उल्टा बिल्कुल. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एपिथेट. एपिथेट होता है हमारा निकनेम होता है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलोलोक्वी. सिलोलोक्वी होता है हमारा अपने आप से बातें करने वाला. अपने आप से बात करना, जैसे हम करते हैं कि डिसाइड करते हैं अपने मन में कि आज तो मैंने ये किया, कल मुझे ये चीज़ करनी है. सो जो अपने आप से बात करके हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ करनी है या फिर ये करना है, यहाँ गई थी मैं और ऐसा हो गया. सो जो अपने आप से कुछ अपनी बात ही डिस्कस कर रहे हो. नेक्स्ट है हमारा सिमिली. सिमिली होता है कंपैरिजन. सो इस वर्ड का एंटी थीसिस का परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा रिवर्सल. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अपार्थीड. अपार्थीड होता है हमारा
अपार्थिड होता है हमारा रंग भेद। यानी कि जैसे साउथ अफ्रीका में होता है ना काले गोरे में फर्क करना, सो वो चीज़ है ये अपार्थिड, जैसे कि पिक्चर में भी दिख रहा होगा आपको। सो साउथ अफ्रीका का केस है ये, सो अपार्थिड है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हैरांग। हैरांग होता है हमारा भाषण, यानी कि गुस्से में कोई भी भाषण या स्पीच देना, वो होता है ये। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पन। पन होता है हमारा हास्यपूर्ण पंक्ति, हास्यपूर्ण पंक्ति। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन होता है यानी कि सेपरेट करना, अलग करना। नेक्स्ट वर्ड है, ऑप्शन है हमारा इलिजिबल। इलिजिबल होता है हमारा अनरीडेबल, अस्पष्ट, यानी कि जिसको हम रीड नहीं कर सकते, जो अस्पष्ट हो, तो इसको लिखेंगे अनरीडेबल। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा सेग्रीगेशन, यानी कि रंग भेद करके अलग करना, सेपरेट करना, लोगों के बीच में भेदभाव करना रंग को लेकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मीनिंग बताना है। एंटीक्वेटेड होता है हमारा ओल्ड फैशन्ड और आउटडेटेड, यानी कि जो चीज़ प्रचलन मतलब चलन में नहीं है, किसी भी चीज़ की बात हो सकती है वो। सो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ब्रिटल। ब्रिटल होता है हमारा नाजुक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इटर्नल। इटर्नल होता है हमारा लास्टिंग, लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉरएवर, यानी कि जो हमेशा के लिए है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डक्टाइल। एबल टू बी ड्रॉन, एबल टू बी ड्रॉन आउट इनटू अ थिन वायर। तो जैसे कुछ मेटल्स को हम फ्लेक्सिबली वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कॉपर वायर्स बनते हैं, सो कॉपर की शीट से ही कन्वर्ट होकर वो वायर बनाए जाते हैं। ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट होता है हमारा आउट ऑफ डेट, यानी कि अप्रचलित। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा ऑब्सोलीट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अपैथी। अपैथी का मीनिंग बताना है। अपैथी होता है हमारा उदासीनता, उदासीनता, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इस, ये कैसे मतलब पिक्चर शो कर रही है कि ये बहुत ज़्यादा सैड है, उदास उदास है, सो वो शो कर रही है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट होता है हमारा अ पर्सन स्किल्ड, स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि जिसको फॉरेन लैंग्वेज बोलनी आती हो, सो स्किल्ड हो उस चीज़ में, होता है हमारा लिंग्विस्ट। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इनसेटिएबल। इनसेटिएबल होता है हमारा इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करने में इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉरो। सॉरो होता है हमारा सैड, सैडनेस, दुख। लास्ट वर्ड है हमारा इनएडिबल। इनएडिबल होता है हमारा नॉट फिट और सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग।
यानी कि खाने योग्य नहीं है कोई चीज़, और एडिबल होता है सुटेबल फॉर ईटिंग, इसका उल्टा। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा अपैथिका, यानी कि सॉरो, सैडनेस, उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट। सो नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अपील्ड? अपील्ड होता है हमारा शॉक की सिचुएशन, यानी कि चकित हो जाना, एकदम शॉक हो जाना, शॉक। तो जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है किसी इस चीज़ को, मतलब जैसे घोस्ट को देखकर ही शॉक हो रही है, तो एकदम से शॉक हो जाना, चकित हो जाना, हॉरिफाइड भी हो सकता है, किसी चीज़ को देख के एकदम डर जाना, यानी कि मेनली भूत को देख कर एकदम डर जाने वाली सिचुएशन जो होती है। तो फर्स्ट एग्जाम ऑप्शन है इसका एपिटोम। एपिटोम होता है हमारा अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होना, वो होता है हमारा एपिटोम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा शॉक। शॉक हमारा वही होता है झटका लग जाना, एकदम से डर जाना या फिर चकित हो जाना, वही सब। पोर्टेबल, पोर्टेबल होता है हमारा, पोर्टेबल होता है सेफ टू ड्रिंक, पीने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोगोफोबिया। लोगोफोबिया होता है, ये हर बच्चे को होता है, फियर ऑफ स्टडीज। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा शौक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एपिलेशन। एपिलेशन का मीनिंग बताना है। एपिलेशन होता है हमारा अ नेम और टाइटल। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फैटल। फैटल होता है हमारा घातक, यानी कि डेडली, जानलेवा कोई भी चीज़, तो वो होता है हमारा फैटल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टाइटल। टाइटल हमारा शीर्षक होता है किसी भी कहानी का, किसी भी विषय का, होता है हमारा टाइटल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्कस। कार्कस होता है शव, किसी भी बड़े जानवर का, किसी बड़े जानवर का शव, तो होता है हमारा कार्कस। लास्ट वर्ड है हमारा मॉर्बिड। मॉर्बिड होता है रोगी, जिसे कोई रोग हुआ हो, रोगी। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा टाइटल। सो आज के हमारे 10 वर्ड्स कंप्लीट हो गए। काफ़ी लोगों के हमारे पास कमेंट्स आए थे कि आप ए ही लेटर मत कराइए, और लेटर्स के वर्ड भी कराइए। सो पहले हम एक वर्ड को कंप्लीट करेंगे, ए लेटर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लाइन वाइज हम सारे वर्ड्स कराएंगे। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।